बीच में ही रुका रहा था, अच्छा ना हुआ। आने से हर चीज को जानकारी मिल जाती है तो पूरा होगा, तो ही देखेंगे काय देर हुआ। विकास की धूप लोगों में लगी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नए वीडियो में। बिहार सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, यानी कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर, नल जल योजना को लेकर और भी इत्यादि जो योजना बनाई गई है उसको लेकर नई नई अपडेट निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा जो कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। नोटिफिकेशन रिलीज डेट की बात कर देख सकते हैं 8/2/2023 को, यानी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया 8 फरवरी 2023 को। कितना पैसा जारी किया गया देख सकते हैं, 33,95,34,000 रुपये इसको लेकर जारी किया गया। तो फुल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। तो बहुत से हमारे सब्सक्राइबर का कहना था कि हमारे यहाँ लाइट नहीं लग रहा है, कब से लगेगा, तो इसको लेकर एक नया अपडेट जारी किया गया। तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा, जो भी अपडेट आएगा हम बारी बारी से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं और सारी बात समझते हैं। बताएगा देख सकते प्रशासक कल्पना कुमारी जो अनुसरण पदाधिकारी है, बताएगा सेवा महालेखा बिहार बीरचंद पटेल पटना, ठीक है। डेट की बात करते हैं 8 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। सबसे पहले विषय में पढ़ लेते हैं, विषय में क्या जानकारी दिया गया, बताया गया मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के मद से कुल 33,95,34,000 रुपया मात्र राशि का व्यय की स्वीकृति के संबंध में जारी किया गया, ठीक है। 33,95,34,000 रुपया स्वीकृति किया गया। अब क्यों किया गया है, कौन से जिलों को लेकर किया गया, क्या कारण बताया गया देख सकते। दूसरे नंबर में जिला पदाधिकारी मधुबनी के पत्रांक संख्या 2770 दिनांक 28/9/2022 के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त राशि की अधियाचना की गई है। प्राप्त अधियाचना के आलोक में मधुबनी जिला में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत अनाच्छादित बसावटों को आच्छादित करने में अवशेष कार्यों को पूरा कराने में तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में, यानी कि योजना के मद से कुल कितना था, 33,95,34,000 रुपये मात्र राशि का संलग्न विवरणी 1 के 1 के अनुसार 104 ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक है। यानी ये जो पैसा जारी किया गया 33 करोड़ रुपया मधुबनी जिला को लेकर जारी किया गया, जो कि नल जल योजना का जो आधा अधूरा काम है और भी बहुत से जो काम है उसको पूरा कराने को लेकर, यानी देख सकते हैं कार्य को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष, देख सकते हैं कार्य पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के मद से पैसा जारी किया गया, ठीक है। अब ये बताएगा देख सकते विवरणी 1 के अनुसार 104 ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त करने के लिए, यानी 104 जो ग्राम पंचायत है उसमें जारी किया गया, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2022-23 में मांग संघ 16 के अंतर्गत राज्य योजना के मद से निरूपण की जाएगी, ठीक है। कितना बात किया गया, तो राशि की निकासी जो वित्तीय वर्ष 2022-23 मांग संघ 16 के अंतर्गत राज्य योजना के मद से निरूपण की जाएगी, ठीक है। यहाँ से देख सकते बताया गया क्या बतलाया गया और भी जानकारी दे, योजना के शीर्ष सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बताया योजना के शीर्ष मुख्य शीर्ष 2,515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 198 ग्राम पंचायतों का सहायता, उप शीर्ष 0113 मुख्यमंत्री निश्चय योजना विपत्र कोड इतना, विशेष शीर्ष इतना, सहायक अनुदान परिस्थितियों के निर्माण के लिए इतना जारी किया गया, ठीक है। और दूसरे नंबर बताया गया मुख्य शीर्ष 2,515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के, उपशीर्ष 0112 मुख्यमंत्री निश्चय योजना के विपत्र कोट इतना, विषय सर इतना दिया गया, सहायक अनुदान संपत्ति को निर्णय पर इतना जारी किया गया, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा इतना जारी किया, टोटल मिला दिया गया तो इतना हो गया, यानी 33,95,34,000 रुपया हो गया, ठीक है। ये सारा जानकारी दिया बताया गया। 4 नंबर में इस स्वीकृति राशि की निकासी एवं व्यय पदाधिकारी प्रशासक पदाधिकारी सह निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पंचायती राज विभाग के पटना में होंगे, जो CFMS के माध्यम से राशि की निकासी कर सचिवालय कोषागार विकास भवन बिहार पटना से करेंगे। संलग्न विवरणी 1 के अनुरूप संबंधित ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री निश्चय योजना के बैंक खातों में CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे, ठीक है। एंड जो भी पैसा जाएगा कहाँ जाएगा देख सकते, ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री निश्चय योजना के खाते में CFMS के माध्यम से भेजा जाएगा, यानी जो जिस पंचायत के पैसा जारी हुआ है उस पंचायत में CFMS के माध्यम से पैसा भेजा गया। अब कौन कौन सा पंचायत दिया गया तो स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ से सारा जानकारी दिया गया देख सकते। विवरणी 1 में बताया गया क्या, विवरणी 1 में बताया गया, अगर आप इस जिले से आते हैं तो जरूर एक बार देख लीजिए। विवरणी 1 में बताया गया देख सकते हैं, विवरणी 1 में बताया गया मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु मधुबनी जिले के वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना मद से कुल कितना था, 33,95,34,000 रुपया यानी मात्र स्वीकृति राशि का विवरणी किया गया। सबसे पहले बात कर लेते कौन से जिला देते हैं, जिला की बात कर लो मधुबनी, प्रखंड की बात करते बेनीपट्टी, ठीक है। ग्राम पंचायत संख्या बताया गया 1 और 2, कौन कौन से धर्कजरी और बनाकटा दामोदरपुर,
ये वाला पंचायत अरे इतना पैसा जारी किया है, विपत्र को दिया गया इतना इतना, ठीक है, कुल रसीद दर्ज दिया गया। अगर आप इस पंचायत से, आप अगर आप इस ब्लॉक से, जिला से आते हैं, तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, आप देख सकते हैं कौन कौन से पंचायत में यानी कितना पैसा जारी किया गया, जो बता के इतना दिया गया, ठीक है, ये सारा देख लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। नहीं तो आपको अगर पी डी एफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, आपको पी डी एफ फाइल मिल जाएगा, ठीक है। यानी जो पैसा जारी किया गया मधुबनी जिला के 104 जो पंचायत हैं उसमें जो आधा अधूरा काम हुआ है, पैसा जारी किया गया, ठीक है, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। नहीं तो अगर आप पी डी एफ फाइल चाहिए तो आप पी डी एफ फाइल भी ले सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होकर। अब दूसरा जो अपडेट जारी किया गया, क्या जारी किया गया, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर, चलिए हम उस टॉपिक पे भी बात करते हैं। तो ये मधुबनी जिले का हो गया जो कि 104 पंचायतों को लेकर पैसा जारी किया गया, कितना तो देख सकते हैं, कितना तो 33,95,34,000 रुपये जारी किया गया, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया अपडेट लगा। अब चलिए सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को लेकर क्या अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा कमेंट कर पूछते रहते हैं कि सर हमारे यहाँ सोलर लाइट कब लगेगा, इसको लेकर कोई नया अपडेट दीजिए, क्या लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम आपको बता दें कि जो अपडेट आ रहा है हम आपको वीडियो बनाकर दे ही रहे हैं, लेकिन आपके कहने के मुताबिक हम आपको एक सबूत के तौर पर लाए हैं जो कि आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जिस पर ट्वीट करके ये जानकारी दिया गया, जो कि देख सकते हैं वेरीफाई अकाउंट है, ठीक है। ये जो ट्विटर जो ट्वीट किया गया था 6 जनवरी 2023 को ट्वीट कर दिया गया था, बताएगा देख सकते हैं सीवान जिले के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत लाइट लगाई जा रही है, ठीक है, जो अपडेट निकल गया है सीवान जिले को लेकर। अब रुकिए, और भी बहुत से ऐसे जिला को लेकर ट्वीट किया गया था जिसमें जिलों में काम चालू है और लाइट भी लगाई जा रही है, क्यों नहीं रहेगा। तो जो भी जैसे जैसे धीरे धीरे काम होता जाएगा आपको यहाँ भी पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते बताया गया है पंचायती राज विभाग मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट योजना जिला सीवान के लेकर, यानी कि मैप दिया गया, देख सकते लाइट भी आपको 3 तरह का दिखलाया गया जो कि लग रहा है अलग अलग जिलों में। बताया सीवान जिले के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट योजना के अंदर लाइट लगाई जा रही है। अब रुकेंगे तो आपकी यहाँ भी लाइट बहुत जल्द लग जाएगा, जैसे यहाँ पे इस जिले में काम शुरू होगा तो बहुत से ऐसे जिला है जहाँ पे भी काम शुरू हो दिया जाएगा, ठीक है। आपको हम पहले भी वीडियो बनाकर जानकारी दी कि मार्च तक यानी कि बिहार के हर एक पंचायत के 4-4 वार्डों में लाइट लग जानी है, जो कि ये बताया गया एग्जाम्पल के तौर पर पंचायती राज विभाग तरफ से ट्वीट करके जानकारी दिखला देते, देख सकते बताया गया पंचायती राज डिपार्टमेंट के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके जानकारी दिया गया था 12 जनवरी के, जो कि बताया गया मधुबनी जिले के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट योजना के अंतर्गत लाइट लगाई जा रही है। मधुबनी जिला से लेकर अपडेट निकल कर रही, जो कि आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर 4 लाइट का इनमें फोटो भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है, ये सारा जानकारी हो गया। तीसरे की बात करें तो देख सकते 22 जनवरी के भी ट्वीट करके जानकारी दिया गया, खगड़ी जिले के विभिन्न पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना के अंतर्गत लाइट लगाई जा रही है, जो कि ये अपडेट निकल कर रही खगड़ी जिले। आपके वार्ड में भी लाइट लगेगा, बहुत जल्द लगा, जैसे यहाँ पे काम हो जाएगा बहुत से जिलों में आपको धीरे धीरे काम हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें भी लाइट लगाई जा रही है। प्रचार करिए, आपके जिले में भी काम बहुत जल्द शुरू होगा, जैसे दूसरे जिले में काम खत्म हो जाएगा तो आपके वार्ड में आपके जिले में बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है, यही अपडेट है दूसरा, ठीक है। अब तीसरा अपडेट क्या है इसको लेकर हम आपको बता दें, तीसरा अपडेट की बात करें तो तीसरा अपडेट की नोटिफिकेशन आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे, जो कि पटना में दिनांक 8 फरवरी 2023 को, दिनांक की जो बात करते तो बुधवार दिन का पूर्वाह्न 11:30 हुई मंत्रिपरिषद बैठक में कार्यसूची यानी मुख्यमंत्री ने बैठक में अध्यक्षता में ये स्वीकृति प्रदान की गई है। अब इसको लेकर कितना स्वीकृति किया गया देख सकते हैं, कितना स्वीकृति स्क्रोल डाउन करेंगे तो कितना स्वीकृति किया गया, 18 स्वीकृति किया गया, जो कि सारा जानकारी हम आपको बताने लगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो, जो आपके लिए यूजफुल होगा हम आपको वही बता लेते हैं। देख सकते हैं क्या जानकारी दिया गया, शिक्षा विभाग में 14 नंबर स्वीकृति को बात करते हैं, देख सकते हैं शिक्षा विभाग में बताया गया राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से प्रति विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक की दर से कुल 7,360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के पद के सृजन किए गए, यानी कि जो भर्ती आएगी कंप्यूटर शिक्षक को लेकर भर्ती आएगी जो कि 7,360 पदों पर, ठीक है, इसकी स्वीकृति प्रदान की गई, जो कि आपके डिस्प्ले पर न्यूज पेपर कटिंग भी दिखाई दे रहा है और ये नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन हो जाएगा, आपको वहाँ से ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हम उसमें ग्रुप में नोटिफिकेशन शेयर कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड करके जो भी 18 को स्वीकृति किया गया है यानी कि मंत्री के द्वारा यानी मुख्यमंत्री बैठक में अध्यक्षता में स्वीकृति प्रदान की गई, आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो हम भी पढ़ सकते थे लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखते हुए हमने यही बात कहा है। देख सकते हैं सारा जानकारी देगा, तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा और ये नोटिफिकेशन तीनों नोटिफिकेशन हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि 7,360 पदों पर इसका यानी भर्ती आ जाएगा बहुत जल्द, जिसको लेकर जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपको वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।